ये बाजू रूम में डस्टर रहेगा देख डस्टर रहेगा मॉड्यूल है सबके पास आप मॉड्यूल रखिए कंपलसरी कल परसों जो है क्लासेस में हम क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूल के ठीक है जितने क्वेश्चंस काम के हैं वो डिफिकल्ट जो भी हैं वो करा दूंगा मैं आपको क्वेश्चंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ओके सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट हीमोफिलिया पार्ट वी स्टार्टेड डिस्कसिंग हीमोफिलिया हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ओके हाउ टू डिटेक्ट कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा कलर ब्लाइंडनेस डिटेक्टेड बाई इशिहारा चार्ट्स इशिहारा चार्ट्स क्या होते हैं ये कलर चार्ट्स होते हैं इशियारा चार्ट्स आर कलर चार्ट्स जस्ट लाइक दिस हैविंग सम डॉट्स ग्रीन डॉट्स एंड रेड डॉट्स यहां पे कुछ ग्रीन डॉट्स भी दिख रहे हैं कुछ रेड डॉट दिख रहे हैं आपको ग्रीन डॉट एंड रेड डॉट दिख रहे हैं नहीं दिख रहे ना मैं तो यहां पे एक ही कलर यूज किया हूँ लेकिन वहां डॉक्टर के पास जो है एक चार्ट होता है इससे मान लीजिए ये ग्रीन डॉट है तो ग्रीन दिखना चाहिए आपको ये रेड डॉट है तो रेड दिखना चाहिए लेकिन कलर ब्लाइंड पर्सन को नहीं दिखेगा ये ग्रीन और रेड मैं यहां पर एक ही कलर यूज किया हूं ठीक है नॉर्मली दिस काइंड ऑफ इशियारा चार्ट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं ठीक है हो गया चलो आगे बढ़ते हैं सो so, हीमोफीलिया क्या है वॉट इज मीन बाई हीमोफीलिया हीमोफीलिया इज एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर ओके एंड वेयर हीमोफीलिया वॉज फर्स्ट टाइम सीन क्वीन विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया वॉज कैरियर वॉज कैरियर ऑफ हीमोफिलिया क्वीन विक्टोरिया वॉज कैरियर शी वॉज कैरियर शी वॉज नॉट हैविंग एनी डिजीज शी वॉज नॉट अफेक्टेड शी वॉज कैरियर ऑफ हिमोफिलिया मतलब कैरियर ऑफ हिमोफिलिया मतलब कैसा लिखेंगे एक्सेक्स एक पे कैपिटल एच लिखेंगे एक पे स्मॉल हेच लिखेंगे हेच फॉर हीमोफीलिया सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम सी लिख रहे थे सी जीन हीमोफीलिया के लिए हेच जीन लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं सो डिसेंडेंट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया डिसेंडेंट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया एफेक्टेड एफेक्टेड मतलब इसके बच्चों में क्वीन विक्टोरिया के बच्चों में डिसीज देखी गई है स्पेशली सन्स में सन्स में, है ना बोथ ही एंड कलर चांसेस आर मोर इन मेल मेल और फीमेल, में ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज मेल्स नीड ओनली वन डिफेक्टिव जीन टू बिकम हीमोफिलिक एंड इन हीमोफिलिया हिमोफिलिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिसीज ब्ली मोफिलिया को ब्लीडर डिसीज बोलते हैं एनी माइनर इंजुरी लीड्स टू कंटिन्यूस ब्लीडिंग टिल डेथ एनी इंजरी लीड्स टू कंटिन्यूस ब्लीडिंग लीड्स टू कंटिन्यूस ब्लीडिंग टिल डेथ मतलब ये है कि हीमोफिलिया डिसीज में जैसे ही पेशेंट को कुछ भी मार लगता है हीमोफिलिक पेशेंट को कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है कंटिन्यूस ब्लीडिंग टिल डेथ देर इज नो स्टॉप इन ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं तो इसलिए ये डिसीज को हम ब्लीडर्स डिसीज बोले सो so, जब भी हम हीमोफीलिया पढ़ते हैं तो वन शुड रिमेंबर वट इज मीन बाई ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मल पर्सन को जब भी इंजुरी होती है माइनर इंजरी, सो दैट माइनर इंजुरी लीड्स टू ब्लीडिंग फॉर अबाउट टू मिनट्स और टू पॉइंट फाइव मिनट्स आफ्टर दैट ब्लीडिंग स्टॉप्स, ब्लीडिंग जो है नॉर्मली टू पॉइंट फाइव मिनट्स में रुक जाती है बट हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होगा हीमोफीलिया मतलब कंटिन्यूस ब्लीडिंग टिल डेथ ब्लड क्लॉटिंग

प्रोथ्रोम्बिन है थ्रोम्बिन है थ्रोम्बोकाइनेज है बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए इट्स टीम टीम कैस्केड मतलब नॉट सिंगल पर्सन कैस्केड मतलब एक ग्रुप एक टीम है पूरा इन्वॉल्व मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग इज ए कैस्केड प्रोसेस बट इन ही वॉट हैपन क्लॉटिंग फैक्टर्स गेट्स एफेक्टेड वन आर मोर क्लॉटिंग फैक्टर्स ये डिसीज में होता क्या है हीमोफिलिया में वन आर मोर क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होगा एफेक्टेड हो जाते हैं तो मतलब क्लॉटिंग फैक्टर बराबर काम नहीं करेंगे जिस वजह से डिसीज हो जाएगी हिमोफीलिया कंटिन्यूस ब्लीडिंग टिल डेथ ओके इतना याद रखेंगे हम नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग इज विस प्रोसेस

इट इज आल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिस बिकॉज इट वाज़ फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड इन ए बॉय इन क्वीन विक्टोरिया फैमिली वो बच्चे का नाम जो है क्रिसमस था इसलिए नाम जो है क्रिसमस डिस बोल के रखें क्रिसमस डिसीज बोले ठीक है ओके okay? अब हम थोड़े से प्रॉब्लम्स करेंगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया से रिलेटेड एक बात आपको क्लियर कर दो चाहे कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन हो या हीमोफिलिया का क्वेश्चन हो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड तो सेम ही रहता है एवरीथिंग सेम सेम मतलब कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन अलग करेंगे हीमोफिलिया का अलग मेथड ऐसा नहीं है दोनों के लिए सेम मेथड है अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है देखिए इफ इफ ए कैरियर फीमेल मैरिड विथ नॉर्मल मेल नॉर्मल मेल फाइंड आउट प्रोजनी ये क्वेश्चन है अगर कैरियर फीमेल मैरिज करती है नॉर्मल मेल से तो प्रोजनी क्वेश्चन मार्क है सिंपल क्वेश्चन चाहिए कलर ब्लाइंड लेके करो या हिमोफिलिया लेकर करो फॉर एग्जाम्पल यहां पर कैरियर फीमेल लिख रहा हूं मैं एक्सएक्स कैरियर फॉर हिमोफीलिया इफ आई वॉन्ट टू राइट हाउ शुड आई राइट कैरियर फीमेल एक पे कैपिटल हेच एक पे स्मॉल हेच मैरिड विथ ए नॉर्मल मेल एक्स वाई कैपिटल हेच मतलब नॉर्मल होता है एक्स क्रोमोजोम पे लिखूंगा मैं जीन वाई पे नहीं लिखूंगा बिकॉज इट इज ए एक्स लिंक डिसऑर्डर अब ये दोनों गैमेट सेपरेट हो जाएंगे एक पे कैपिटल हेच गया है एक पे स्मॉल हेच गया है ये कैपिटल हैच ये वाई ओके गैमेट रेडी गैमेट रेडी होने के बाद फर्टिलाइजेशन फर्स्ट विथ फर्स्ट फर्स्ट विथ सेकेंड कैसा करना चाहिए फर्स्ट गैमेट विथ फर्स्ट एक्स एक्स कैपिटल एच कैपिटल एच एकदम नॉर्मल फीमेल नॉर्मल फीमेल है फर्स्ट विथ सेकेंड एक्स वाई कैपिटल हेच नॉर्मल सन है ये फर्स्ट विथ फर्स्ट फर्स्ट विथ सेकेंड खत्म हो गया अब क्या करना चाहिए बोलो सेकेंड विथ फर्स्ट सेकेंड विथ सेकेंड सेकेंड विथ फर्स्ट एक्स एक्स कैपिटल हेच स्मॉल हेच मतलब ये बनेगी कैरियर फीमेल अच्छा कैरियर मतलब कोई डिजीज नहीं होगी बिल्कुल नॉर्मल है कैरियर आर ऑल्सो नॉर्मल ठीक है कैरियर्स ऑल्सो नॉर्मल हाँ और एक बोलिए कॉम्बिनेशन सेकेंड विथ सेकेंड एक्स वाई स्मॉल है X द्रोमोजो मतलब ये होगा हीमोफिलिक सन हीमोफिलिक सन इसका मतलब हुआ यहां पर आंसर आना चाहिए प्रोजनी में मालूम करो बोला है क्वेश्चन सन्स में नहीं पूछा है डॉटर्स में नहीं पूछा है क्या पूछा है टोटल प्रोजनी में पूछा है सो आंसर इज 25 फाइव परसेंट चिल्ड्रेन आर एफेक्टेड ट्वेंटी फाइव परसेंट चिल्ड्रेन सिर्फ प्रोजनी पूछा है सन अगर पूछता तो मैं बोलता दो सन में से एक सन एफेक्टेड होता है दैट मीन फिफ्टी परसेंट आंसर मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होने वाला है प्रोजनी में पूछेगा ट्वेंटी फिफ्टी परसेंट डॉटर्स में पूछेगा जीरो परसेंट हर जगह सेम आंसर नहीं चलेगा दो डॉटर दोनों भी डॉटर नॉर्मल हैं। कैरियर को भी मैं नॉर्मल ही बोलूंगा क्योंकि कैरियर को कोई डिजीज नहीं है चलो आगे यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन सिंपल था चलो अब आगे एक और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा ट्विस्ट इस बार क्वेश्चन है एमन उ मदर इज कलर ब्लाइंड हुज मदर इज कलर ब्लाइंड मैरिड विथ मैरिड विथ ए मैन उज मदर इज ऑल्सो कलर ब्लाइंड उज मदर इज ऑल्सो कलर ब्लाइंड प्रोजनी क्वेश्चन मार्क चलो करो क्वेश्चन ये क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसा आया बोलो क्वेश्चन में क्या है फोर पर्सन है क्वेश्चन में कितने लोग हैं फोर पर्सन है उमन के मदर हैं मैन के भी मदर हैं मतलब चार हो गए ना जिसकी मैरिज हो रही है उमन जिसकी मैरिज हो रही है मैन और ये उमन के कौन आए क्वेश्चन में मदर आए हुए हैं और ये मैन के भी कौन आए हुए हैं मदर आए हुए हैं अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन क्या है मैं लिख दिया हूं इधर इतना लिखना पहले अब यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि उमन के मदर को कलर ब्लाइंड है कलर ब्लाइंड के लिए मैं सी फॉर कलर ब्लाइंड लूंगा स्मॉल सी स्मॉल सी दोनों पे लिख देता हूं और मैन के भी मदर को कलर ब्लाइंड है स्मॉल सी स्मॉल सी आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट क्यों है फादर के बारे में नहीं बताया यहां पे। जो भी क्वेश्चन में नहीं है गैस कर लो वो नॉर्मल है जो भी क्वेश्चन में नहीं है वो नॉर्मल है जो अफेक्टेड है उनके बारे में बात करेंगे ना डिसीज सो दैट मीन्स ये उमन के मदर है क्वेश्चन में उमन के फादर नहीं है क्वेश्चन में दैट मीन्स उमन फादर इज नॉर्मल तो उमन के फादर ने दिया कैपिटल सी और मदर ने दिया स्मॉल सी बिकॉज डॉटर्स मदर ये आप खुद गेस करके लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में नहीं दिएगा ये आप गेस करके लिखना पड़ेगा हाँ अब ये सन है देखिए, सन के मदर है क्वेश्चन में सन के मदर है सन के फादर नहीं है क्वेश्चन में सन के फादर से एक्सक्रोमोजम सन को आएगा क्या नहीं आएगा तो सन के पास जो एक्स है वो कहां से आएगा हमेशा मदर से पास आएगा दैट मीन्स इट इज स्मॉल सी कलर ब्लाइंड अब ये दोनों गैमेट सेपरेट कर दीजिए कैपिटल सी स्मॉल सी और ये दोनों गैमेट सेपरेट कर लीजिए स्मॉल सी एंड वाई हाँ फर्स्ट विथ फर्स्ट क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए कैरियर कैरियर फीमेल आया है कैरियर फीमेल फर्स्ट विथ सेकंड देखो एक नॉर्मल सन आया है ओके okay. और देखेंगे सेकंड विथ फर्स्ट देखिए कलर ब्लाइंड आया है कलर ब्लाइंड आया है ये कलर ब्लाइंड डॉटर है कलर ब्लाइंड फीमेल है और कोई कलर ब्लाइंड सन आया हुआ है दिस इज द वे हाउ योर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन हिमोफीलिया का भी होता तब भी यही मेथड से करते हम जस्ट मैं एक्स की सी uh, की जगह क्या लिखता एच लिखता फॉर माई अंडरस्टैंडिंग ओके यस ठीक है ना इंफॉर्मेशन हाँ? यहां पर फादर के बारे में नहीं बताया है फादर के बारे में नहीं दिया है मैन के फादर के बारे में नहीं दिया है तो मैन के पास जो एक्स है वो कहां से आया मदर से आएगा फादर से कोई रिलेशन नहीं है कलर विथ रेस्पेक्ट टू कलर ब्लाइंडनेस

क्वेश्चन में मदर के बारे में नहीं दिया मदर नॉर्मल है कंसीडर करते हैं हम ये कैपिटल सी कौन सा हेट्रोजाइगस कौन सा ये मदर कैरियर ये किस में नहीं नहीं क्वेश्चन में क्लियरली है हाँ जो लोग क्वेश्चन में नहीं है उनको हम नॉर्मल कंसीडर करने वाले हैं नॉर्मल करेंगे कैरियर बोल के दिया तो डिक्लेयर है तो कैरियर कंसिडर करेंगे अगर नहीं दिया है मैन के सिर्फ मदर दिए हुए हैं सिर्फ सपोज मैन के सिर्फ मदर दिए हुए हैं फादर नॉर्मल कंसिडर करेंगे सपोज मैन के फादर दिए हुए हैं मदर को हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे कैरियर नहीं बोलेंगे कैरियर नहीं बोलेंगे क्योंकि नॉर्मल बोलते पूरी तरीके से नॉर्मल अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे इफ ए वुमन इफ ए वुमन हैज वन कलर ब्लाइंड एंड वन हीमोफिलिक वन हीमोफिलिक

क्वेश्चन कैसा है दोनों डिजीजेस एक ही पर्सन को आ रहे हैं इफ ए वुमन क्वेश्चन में जो जो है मैं लिख लूंगा पहले एज इट इज उमन एक्स एक्स और वुमन के कौन है साथ में कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है साथ में उमन के इफ शी गेट मैरिड विद ए मैन कोई भी नहीं है कुछ भी नहीं लिखूंगा मैं मैन के फादर आए हुए हैं और मैन के पास कलर ब्लाइंड की भी जीन है हीमोफिलिक की जीन भी है बोल रहे सॉरी फादर के पास है बोल रहा है किसके पास है फादर के पास है कलर ब्लाइंड की भी जीन हीमोफिलिक की जीन ठीक है

नॉर्मल कंसीडर करना कैपिटल सी कैपिटल हेच आया समझने अगर ये स्टेप में गलती कर रहे हैं सपोज आंसर आने के चांसेस हैं खत्ता ही नहीं आता आंसर दो बार चेक करना इधर जब भी हम लिख रहे हैं और क्वेश्चन में वुमन के कोई भी नहीं है साथ में लेकिन क्लियरली मेंशन है इफ ए वन कलर ब्लाइंड वन हीमोफिलिक अलील मतलब एक कलर ब्लाइंड जीन एक ही जीन कैसा लिखो एक पे स्मॉल ऐसा नहीं लिखना है उन्हें क्लियरली बोल रहा है कलर ब्लाइंड जीन और हीमोफिलिक जीन कौन से तो एक एक्स पे लिखो क्लियरली बोल रहा है, है ना ऑन वन ऑफ हर एक्सक्रोमोजोम ठीक है और दूसरा एक्स क्या रहेगा कैपिटल सी कैपिटल हेच ये स्टेप अगर हमारा सॉल्व हो गया आगे कुछ भी नहीं है हाँ बोलो फर्स्ट विथ फर्स्ट डायरेक्ट कर देंगे फर्स्ट विथ फर्स्ट एक्स एक्स कैपिटल सी कैपिटल हेच कैपिटल सी कैपिटल हेच फर्स्ट विथ फर्स्ट पूरा नॉर्मल पूरा नॉर्मल है ना नॉर्मल डॉट कलर ब्लाइंड भी नहीं है हिमोफिलिया भी नहीं second, capital capital है फर्स्ट विथ सेकेंड फर्स्ट विथ सेकेंड बोलते हैं फर्स्ट विथ सेकेंड नॉर्मल सन फर्स्ट विथ सेकेंड बोलते कैपिटल सी कैपिटल है चिधर से आएगा वहां से वाई आएगा अब बच्चा सेकेंड विथ फर्स्ट ये सेकेंड ये फर्स्ट के साथ गया एक्स एक्स कैपिटल सी कैपिटल हेच स्मॉल सी स्मॉल हेच कैरियर फॉर बोथ कैरियर फॉर बोथ कलर ब्लाइंड के लिए भी हिमोफिलिया के लिए भी कैरियर फॉर बोथ हाँ बज गया एक और लास्ट कॉम्बिनेशन सेकेंड विथ सेकेंड एक्स वाई स्मॉल सी स्मॉल हेच Affected फॉर बोथ ठीक है ना Affected फॉर बोथ कलर ब्लाइंड एंड hemophilia. मैं बोलूंगा आपको ये दो तीन क्वेश्चन जो करें हम जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं यही क्वेश्चन को लेकर करो सॉल्व करो यही मॉडल के अगर क्वेश्चन आ रहा है ब्लाइंड हिमोफिलिया का प्रॉब्लम ये मेथड से ही आ सकते हैं ओके okay? जब भी हम रिवीजन कर रहे हैं यही पढ़ना क्वेश्चंस चलो ये हो गया देखिए कलर ब्लाइंड हीमोफिलिया के प्रॉब्लम्स नो आफ्टर कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफिलिया नो वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज म्यूटेशन म्यूटेशन पढ़ेंगे म्यूटेशन व्हाट इज म्यूटेशन अल्ट्रेशन इन दीक्वेंस ऑफ डीएनए चेंज इन दीक्वेंस ऑफ डी एन ए अगर डीएनए का सीक्वेंस चेंज होता है तो वो केस को हम क्या Mutation बोलेंगे म्यूटेशन बोलेंगे चेंज इन दीक्वेंस ऑफ डी एन एफ डीएनए चेंज मान लीजिए अगर डीएनए चेंज होगा तो आरएनए चेंज होगा क्योंकि डीएनए आरएनए को बनाता है अंडरस्टूड बात है अगर डीएनए में चेंज हुआ इफ डीएनए चेंज आरएनए चेंज डेफिनेटली एज वेल एज प्रोटीन और एंजाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि आरएनए से एंजाइम या प्रोटीन बनता है यू नो ऑल मेक मेक प्रोटीन एक रिलेशन है डीएनए से आर एन ए बनता है आर एन ए से प्रोटीन बनता है दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा मॉलिकुलर बायोलॉजी बोलते हैं इफ एनी चेंज ऑकर इन डी एन ए डेफिनेटली चेंज ऑकर इन आर एन ए ठीक है सो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट प्रेजेंट इन डी एन ए

जर्म सेल म्यूटेशन सोमैटिक सेल म्यूटेशन इफ म्यूटेशन आकर इन स्पर्म एंड ओवा दो जर्म सेल म्यूटेशन ये स्पर्म और ओवा में हो रहे हैं ऑकर इन स्पर्म एंड ओवा एंड दे आर हेरिडिटरी और ऐसे म्यूटेशन क्या होंगे हेरिडिटरी होंगे दैट मीन दे आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन इफ एनी चेंज ऑकर इन स्पर्म और ओवा दो म्यूटेशन आर कॉल्ड जर्म सेल म्यूटेशन एंड दे आर हेरिडिटरी कैरिड टू नेक्स्ट जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू बी एफेक्टेड प्रेजेंट जनरेशन इज नॉट एफेक्टेड नेक्स्ट जनरेशन इज एफेक्टेड एक पर्सन है उस, वो नॉर्मल है उसके स्पर्म में म्यूटेशन हो गया म्यूटेशन हो गया तो जो है नेक्स्ट जनरेशन अफेक्ट होगा या प्रेजेंट जनरेशन अफेक्ट होगा नेक्स्ट जनरेशन सोमैटिक सेल म्यूटेशन मीन्स ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स दैट मीन्स बॉडी सेल्स एंड दे आर नॉट नॉट हेरिडिटरी ये बिल्कुल हेरिटरी नहीं रहेंगे

म्यूटेशन कहां पर हो रहा है ऑन दैट बेसिस म्यूटेशन आर टू टाइप जर्म सेल सोम सेल नहीं मैथड ऑफ म्यूटेशन किस टाइप से म्यूटेशन हो रहा है ये ऑकरेंस था म्यूटेशन आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स पॉइंट म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ठीक है? आप बोलेंगे सर वो भी टाइप्स से म्यूटेशन के यस जर्म सेल म्यूटेशन सोमैटिक सेल म्यूटेशन यू कैन राइट देयर जर्म सेल म्यूटेशन सोमैटिक सेल म्यूटेशन आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस कहां पर हो रहा है प्लेस अब म्यूटेशन में फिर दो टाइप आ रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन फ्रेम म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन मीन्स चेंज इन सिंगल पेयर चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए अगर डीएनए का बस एक बेस पेयर चेंज होता है बस एक ही बेस पेयर बहुत सारे बेस पेयर हैं बिलियंस हैं उसमें से एक बेस पेयर चेंज होता है दैट लीड्स टू पॉइंट म्यूटेशन चेंज इन सिंगल पेयर ऑफ डीएनए एग्जांपल फॉर सच पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल अनेमिया सिकल सेल अनेमिया वेर आज फ्रेमशिफ म्यूटेशन ये फ्रेमशिफ म्यूटेशन में क्या होता है आइदर ड्यूटो ड्यूटो एडिशन और डिलीशन ऑफ बेसेस डीएनए डीएनए में या तो ऐड होना कुछ नया ऐड होना या कुछ डिलीट हो जाना दैट इज म्यूटेशन, एडिशन और डिलीशन एग्जाम्पल फॉर म्यूटेशन इज थलासेमिया तो डेफिनेटली हमें डाउट रहेगा व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया। ट इज थलासेमिया डाउट रहेगा दैट वी विल डिस्कस अब म्यूटेशन जो है डिलीशन भी इससे भी हो सकता है डिलीशन म्यूटेशन आर ड्यू टू डिलीशन इंसर्शन भी बोलेंगे इंसर्शन इज नथिंग बट एडिशन डिलीशन एडिशन इन्वर्शन ट्रांसलोकेशन आर ऑल ब्रिंगिंग चेंजेस इन डीएनए हु कैन ब्रिंग चेंजेस हाउ चेंजेस आकर इन डीएनए अगर डीएनए में चेंज होगा तो क्रोमोजोम में चेंज होगा वो क्यों दिस इज द क्रोमोजोम क्रोमोजोम मेड ऑफ किससे बना हुआ है क्रोमैटिड क्रोमोजोम मेड ऑफ क्रोमैटेड chromosome made of chromatid chromatid contain chromatid contain one long dna one long dna running from one end to another end of the chromosome this is the dna molecule chromatid contain one long dna running from running from वन एंड टू वन एंड टू अनदर एंड आया समझ में इफ एनी चेंज आकर इन डीएनए देन अल्टीमेटली क्रोमोसोम चेंजेस आई बात समझ समझने अगर डीएनए में चेंज हो रहा है तो क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है बोलने में क्या गलती है ठीक है डीएनए में चेंज हो रहा है डीएनए कहाँ है क्रोमोसोम के अंदर है नी चेंज कर इन डीएनए क्रोमोजोम अंडर गो चेंजेस सो एनी चेंज इन क्रोमोजोम आर कल्ड क्रोमोजोमलबरेश क्रोमोजोमलेश समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं डीएनए में चेंज होगा तो क्रोमोजोम में चेंज डेफिनेटली होगा ओके okay? चलो चेंज इन क्रोमोजोम चेंजेस इन क्रोमोजोम आर कॉल्ड क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल ऑबरेशंस क्रोमोजोमल ऑबरेशन बोलेंगे उनको चेंजेस इन क्रोमोजोम आर कॉल्ड क्रोमोजोमल ऑबरेशंस कहां पर देख सकते हैं हम ये सीन इन कैंसर सेल्स कैंसर सेल में बहुत ज्यादा क्रोमोजोमल अबरेशन देखे जा सकते हैं अब बोलेंगे आप कैसे होगा सर ये क्रोमोजोमल अबरेशन मे ऑकर बाई मे ऑकर बाई एडिशन बोलूंगा मैं एडिशन को इंसर्शन भी बोलता हूं एडिशन और इंसर्शन डिलीशन से भी हो सकता है इन्वर्शन से भी हो सकता है या नहीं तो एडिशन डिलीशन इंसर्शन ट्रांसलोकेशन से भी हो सकता है चेंजेस इन क्रोमोजोम चेंजेस इन क्रोमोजोम आर कॉल्ड क्रोमोजोमल अबरेशन कैसा होगा क्रोमोजोमल अबरेशन? एडिशन डिलीशन इन्वर्शन ट्रांसलोकेशन इसको समझने के लिए बेस्ट है आपकी बायो की एनसीआरटी ले लो केमिस्ट्री की बुक ले लो आप बायो के एनसीआरटी में से कुछ पेजेस फाड़ दो तो क्या बोलेंगे उसको डिलीशन कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट हो गया या आप बायो के एन में कुछ एक्स्ट्रा पेजेस लगा दो एडिशन कुछ जेरोक्स करके एनसीआरटी के सेम एन के जेरोक्स करके लगा दो सेम बुक के रहना और बुक के रहना एडिशन इनवर्शन मतलब सीक्वेंस रिवर्स कर दो सिक्स चैप्टर को फर्स्ट में ला लो फर्स्ट चैप्टर को सिक्स में ला लो फिफ्थ चैप्टर को सेवन पोजीशन पे ला लो इनवर्शन मतलब सीक्वेंस गेट रिवर्स लास्ट चैप्टर को फर्स्ट ला लो फर्स्ट चैप्टर को लास्ट में डाल दो उसको हम इनवर्शन बोलेंगे ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है फिजिक्स की बुक या केमिस्ट्री के बुक के पेजेस निकाल के बायो की बुक में लगा देना तो बोलेंगे इसको ट्रांसलोकेशन तो समझने की बात हो गई समझने की बात हो गई अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे व्हाट इज ट्रांसलोकेशन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन होमोलागस क्रोमोजोम और नॉन होमोलागस पेयर ऑफ क्रोमोजोम नॉन होमोलागस होमोलागस इसलिए मैं फिजिक्स के बुक में से पेजेस के बायो की बुक में लगा रहा था नॉन होमोलागस अलग अलग रहे ना वो तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं एडिशन डिलीशन इन्वर्शन ये भी इंपॉर्टेंट है ये लेट्स सी वन बाय वन सपोज एक क्रोमोजोम है एक क्रोमोजोम है एंड इट इज हैविंग जीन्स ए जीन बी जीन सी जीन डी जीन ई जीन एफ जीन ओके ये क्रोमोजोम है अगर इसमें डिलीशन हो गया आफ्टर एडिशन मान लीजिए आफ्टर एडिशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ नया सीक्वेंस ऐड हो जाएगा इधर इफ द सीक्वेंस इज एडेड दो बार आ गया ए उसके बाद बी उसके बाद सी फिर डी ई एफ एडिशन बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे एडिशन बोलेंगे और अगर यही क्रोमोसोम नॉर्मल ए बी सी डी ई e, एफ इसमें से आफ्टर डिलीशन कर दो कुछ तो कुछ डिलीट कर डालो इधर डिलीशन कर दिया मैं तो बी सी डी ई एफ कुछ ना कुछ डिलीट हो गया है मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है समझ आ रहा है हमारे को करेक्ट इफ एनी सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज रिमूव और लास्ट देन इट इज कॉल्ड डिलीशन सपोज देर इज ए क्रोमोजम अगेन ए बी सी डी ई एफ नॉर्मल क्रोमोजम और ये क्या कर रहा है बोल तो इन्वर्शन कर रहा है चलिए इन्वर्शन कैसे हो रहा है देखिए इन्वर्शन सीक्वेंस रिवर्स हो जाना बोला मैं डिलीशन नहीं होना जैसे कि सी बी ए हो गया डीई एफ हो गया सीक्वेंस रिवर्स हो गया ना हाँ, अब बचा और एक लास्ट व्हाट दैट, ट्रांसलोकेशन और एग्जाम में ट्रांसलोकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन दे आर इंपॉर्टेंट एडिशन डिलीशन नहीं पूछता एग्जाम में छोड़ दो आप नाम से ही मालूम हो रहा है उतना आसान नहीं पूछता वो इनवर्शन पूछेगा व्हाट इज इनवर्शन सीक्वेंस ट्रांसलोकेशन वाला व्हाट इज ट्रांसलोकेशन डेफिनेशन क्या होगा ट्रांसलोकेशन एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम नॉन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम अगर एक्सचेंज कर लेते अपने अपने पार्ट जैसे समझाने के लिए यहां पे मैं एक क्रोमोजोम ड्रॉ करूंगा सपोज ये ए बी सी डी ई एफ है और इसका काउंटर पार्ट होमोलागस पेयर इसका स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल स्मॉल एफ है ये एक होमोलागस पेयर है और एक होमोलागस पेर आएगा यहां पर इसके ऊपर जीन्स कुछ और हैं एम एन ओ पी इसका काउंटर पार्ट स्मॉल एम स्मॉल एन स्मॉल ओ स्मॉल पी अगर यहां पर दिस इज वन होमोलॉगस पेयर अनदर होमोलॉगस पेयर अगर यहां का क्रोमोज़ोम और ये क्रोमोजोम अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं सपोज दिस एंड दिस क्रोमोजोम एक्सचेंज देयर पार्ट एंड रिजल्ट इज लाइक दिस कुछ अलग हो जाता है सीक्वेंस यहां पर जैसे कि यहां पे यम आ गया फिर ए आ गया फिर बी आ गया ठीक है और यहां पे सी डी ई आ गया है F, B है समझ लो यहां पे। तो दूसरा क्रोमोसोम था दूसरे होमोलागस पेयर का, का क्रोमोसोम, उसका यम चले गया था ठीक है ना इसका यम इधर आ गया था और इसका ए इधर चले जाएगा ए ठीक है यन ओ पी ये और ये क्रोमोजोम थोड़ा सा कुछ भी अब मैं जैसे बताया वैसे ही एक्सचेंज होना बल्कि जरूरी नहीं है एच एक्सचेंज होना यम एच एक्सचेंज होना ऐसा नहीं है रैंडमली कौन सा भी एक्सचेंज कर डालो कुछ पार्ट इसका निकाल के इधर लगा दो कुछ पार्ट इसका निकाल के इधर लगा दो यूर चॉइस दैट इज ट्रांस लोकेशन एक्चुअली ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन क्रॉसिंग ओवर के डेफिनेशन से बहुत मैच करता है और एग्जामिनर दोनों भी ऑप्शन रखते हैं क्रॉसिंग ओवर ट्रांसलोकेशन बोथ ऑप्शन व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट्स बिटवीन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम क्रॉसिंग ओवर और क्रॉसिंग ओवर भी मैं पहले बताया हूं आपको लिंकेज जीन कैन बी सेपरेटेड बाई क्रॉसिंग ओवर लिख चुके हैं हम इज क्रॉसिंग ओवर सर आप बोलेंगे सर क्रॉसिंग ओवर में भी एक्सचेंज होते हैं क्रोमोजोम के सेगमेंट ट्रांसलोकेशन में भी एक्सचेंज होते हैं ये बिल्कुल एक्सचेंज होते हैं दोनों में एक्सचेंज होते हैं बट बोथ आर डिफरेंट सपोज दिस इज वन बेंच सेकेंड बेंच थर्ड बेंच एंड फोर्थ बेंच एक क्लास में फोर बेंचेस हैं फर्स्ट बेंच और सेकेंड बेंच सपोज दिज आर होमोलॉगस पेयर दिस इज अनदर होमोलॉगस पेयर यहां पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, यहां पर एक स्टूडेंट यहां पर एक यहां पर एक सपोज फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट सेकेंड बेंच के साथ अपनी पोजिशन बदलता है दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर अगर फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट फोर्थ बेंच के साथ एक्सचेंज करता है अपनी पोजिशन देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन नहीं समझे होमोलागस पेर होमोलागस पेयर का मतलब क्या होता है

तो क्या बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलागस पेयर अगर अपने पार्ट एक्सचेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन सो फाइनली हु कॉजेस म्यूटेशन म्यूटेशन इज कॉज बाय म्यूटाजन व्हाट इज म्यूटाजन म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स जिससे म्यूटेशन होगा उसको म्यूटेशन काजिंग एजेंट बोलेंगे एंड दिस म्यूटेशन काजिंग एजेंट मे बी यूवी रेज एक्स रेज यस रेज दीज आर द म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट ग्यामा रेज यूज्ड यूज फॉर इंड्यूसिंग म्यूटेशन यूज फॉर इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन क्रॉप प्लांट्स क्रॉप प्लांट जो है उनमें म्यूटेशन कराने के लिए यूज किया जाता है यूज ऑफकोर्स कभी कभी म्यूटेशन कराए जाते हैं प्लांट्स में क्योंकि म्यूटेशन करने से कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है कभी कभी यूज फॉर इंड्यूसिंग म्यूटेशन क्रॉप प्लांट ठीक है यस yes. तो ये टॉपिक थी म्यूटेशन के बारे में म्यूटेशन के बारे में और डिटेल में आएगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में शिफ्ट म्यूटेशन वहां पे और ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है वहां पर देखेंगे हम ठीक है स्टराइल और इनफर्टाइल बोल के डाउट पूछे यहां पे स्टराइल इनफर्टाइल बोथ आर सेम अनेबल टू हैव चिल्ड्रेन इज स्टेरिलिटी स्टेरिलिटी परमानेंट स्टेरिलिटी हो स्टरिलिटी मतलब बाई बर्थ स्टराइल है वो जैसे कि म्यूल जो होते हैं म्यूल म्यूल जो होते हैं वो स्टराइल होते हैं म्यूल इज ए So, मतलब उसके बच्चे होंगे ही नहीं पॉसिबल ही नहीं है स्टराइल है जबकि इनफर्टाइल का मतलब होता है इनफर्टाइल मींस इफ कपल्स आर एनेबल टू हैव चिल्ड्रन इवन आफ्टर टू इयर्स ऑफ सेक्शुअल कोहैबिटेशन दट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी और ये इनफर्टिलिटी बाय बर्थ होना बोल के जरूरी नहीं है इट इज नॉट नेसेसरी बाय बर्थ और इट मे बी बाय बर्थ मे और मे नॉट बी मे नॉट बी बाय बर्थ लेकिन स्टेरिलिटी क्या थी बाय बर्थ ऑफ कोर्स बोथ स्टेरिलिटी में भी चिल्ड्रन नहीं होंगे इनफर्टिलिटी में भी चिल्ड्रन नहीं होंगे ठीक है लेकिन हम यहां पे ह्यूम में वर्ड यूज कर रहे हैं इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी हो सकता है बाई बर्थ भी हो सकती है जैसे कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं दोनों साइड के सो so इनफर्टिलिटी का केस है चलो नेक्स्ट और एक डॉक्टर पीके यू पीके यू कंजिनेटल है यस पीके यू कंजीनेटल है बाई yes. बर्थ है कंजीनेटल मतलब बाई बर्थ है इट इज पी के यू इज गिव एन एन एनसीआर टी इट इज इन बॉर्नेरर इन बोर्न एरर है ये बाई बर्थ होने वाली इन बोरनेररर है ठीक है चलो एक और मैं जो है आपको अब आप बताने जा रहा हूं सिक्कल सेल अनेमिया का केस सिकल सेल अनमिया का केस Okay. Sickle cell anemia is what type of disorder? Can I call sickle cell anemia as X linked problem? No. It is not X linked. It is autosomal. It is autosomal recessive disorder. Recessive disorder. Caused due to defective gene. Caused due to. डिफेक्टिव जीन ऑन क्रोमोजोम नंबर इलेवन ऑन लेवंथ क्रोमोजोम ऑन इलेवंथ क्रोमोजोम जो इलेवंथ क्रोमोजोम है उस पर एक डिफेक्टिव जीन हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट सिकल्स एनेमिया ऑकर सिकल सलेमिया ऑकर ठीक है इट इज ए केस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इट इज ए पॉइंट म्यूटेशन केस पॉइंट म्यूटेशन केस पॉइंट म्यूटेशन का केस है पॉइंट म्यूटेशन का केस है लेट्स एनेमिया कैसे होता है व्हाट इज द रीजन व्हाट चेंजेस आकर इन डीएनए डीएनए में चेंज होने से आरएनए में चेंज होगा आरएनए में चेंज होने से प्रोटीन में चेंज होगा हीमोग्लोबिन में लेट्स सी ऑल दैट एक नॉर्मल पर्सन की बात करेंगे पहले बाद में सिकल सेल एनीमिया एक नॉर्मल पर्सन एक नॉर्मल पर्सन में होती है हेज बी ए जीन, हीमोग्लोबिन बनाने वाली जीन हेच बी ए वट इज हेच बी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग जीन इट इज सी टी सी क्या है सी टी सी नॉर्मल पर्सन की बात चल रही है अब ये जीन मतलब डीएनए है डीएनए अगर डीएनए सीटीसी है तो यमआरएनए क्या होगा इसका मैसेंजर आर एन ए क्या होगा तो सी का पेयर होता है जी टी का पेयर होता है ए जी का सी का पेयर होता है जी ठीक है अब ये डीएनए तो बोलो या जीन तो बोलो भाई चलेगा जीन इज डीएनए जिय जिय अब मैं लिख रहा हूं इधर सिकल सेल अनेमिक पर्सन सिकल सेल अनेमिक सिकल सेल एनेमिक मतलब इनके पास रहेंगे एच बी एस जीन कौन से जीन एच बी एस जीन और यहां पे क्या होने वाला मैम टी की जगह ए आ जाता है यहां पर टी की जगह ए आ जाता है सी ए सी हो जाता है T is replaced by A. Sickle cell anemia is caused due to replacement of T by A in DNA. In DNA, T by A in mRNA. यहां का देखो सिर्फ C का पेयर होगा G, A का पेयर होगा U, because we are writing mRNA. आपको थोड़ा बेसिक याद होगा शायद आर एन ए में टी नहीं आता आर एन इज़ नॉट यूरासिल। तो ए के जगह यू लिखा सी की जगह जी लिखा अब यहां पे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है सिक्कल से इज में ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ टी बाई एनडीए ए बाई टी इंडिया मुश्किल है सवाल ऐसे टी बाई इंडियन ने अगर आर एन ए में बोलना चाह रहे हैं तो ए बाई यू इन आर एन ए बाई यू इन आर एन ए या यू बाई ए बाई यू ए जाके यू आता है ठीक है अब जी ए जी जो है नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड बनाते रहता जी ए जी क्या बनाते रहता ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड और यह जी यू जी क्या बनाते रहता वैलीन बनाता रहता दैट मीन ग्लूटामिक एसिड निकल के उसकी जगह पे वैलीन आने वाला है ग्लूटामिक एसिड निकल के वैलिन आने वाला है ग्लूटामिक एसिड निकल जाएगा उसकी जगह क्या आएगा वैलिन आएगा कहां पे आएगा ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन बोले तो हीमोग्लोबिन में आएगा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन जरा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन लिखेंगे बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन हेच बी किसका लिख रहा हूं मैं पहले ये नॉर्मल पर्सन का लिख रहा हूं मैं बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन किसका लिखना हो नॉर्मल पर्सन का नॉर्मल पर्सन का लिख के बताइए बीटा चेन ऑफ हिमोग्लोबिन वैल वैलिन हिस्टिडीन ल्यूसीन थ्रियोनिन प्रोलीन ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड दिस इज फॉर नॉर्मल पर्सन बीटा चेन ऑफ हिमोग्लोबिन ंग अमाइनो एसिड वैलिन लोलीन ग्लुटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड होप आल ऑफ यू नो प्रोटीन आर मेड अपो एसिड एंड वी आर राइटिंग बीटा चेन ऑफ हिमोग्लोबिन बीटा चेन ऑफ हिमोग्लोबिन एक प्रोटीन है प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड से अब यह सिकल्स एन एनीमिया पर्सन में हिमोग्लोबिन क्या रहता है जरा देखो इधर या लिखो वैल हेस ली थ्रो प्रोटेक्शन वाला ग्लू वो याद रख लेने का ट्रिक है <coughs> मतलब यहां पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन अमाइना एसिड है हीमोग्लोबीन में बिल्कुल ये डायग्राम से क्वेश्चन आने के 90% चांसेस हैं क्वेश्चन आ सकता है ये डायग्राम जो भी है तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा सिकल सेल में डीएनए में क्या चेंज होता है डीएनए में क्या चेंज होता है ए इज रिप्लेस बाय ए या एमआरएनए में क्या चेंज होता है ए इज रिप्लेस बाय यू मतलब गैग इज रिप्लेस्ड बाय गुग बिकॉज़ ऑफ व्हिच वन अमाइनो चेंजेस ये अमाइनो ग्लूटामिक एसिड जाके उसकी जगह पर वैलीन आता है ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं विच अमाइनो एसिड इज रिप्लेस एसिड इज रिप्लेस बाई वैली और ये कौन से पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलीन सिक्स पोजीशन में चेंज है देखो दोनों तरफ वैल हिस थ्रो प्रोटेक्शन वाला यहां पर चेंज आया है बाकी का सब सेम है सिक्स पोजिशन दोनों में चेंज हो रहा है ट्रिक क्या थी हमारी याद रखने के लिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन के ट्रिक बोलो वैल हेस्ली थ्रो प्रोटेक्शन ग्लू ग्लू क्या है वैल हेस्ली थ्रो प्रोटेक्शन ग्लू, ग्लू ग्लू अब सिकल से लेने में हमें वैल हेसली थ्रू प्रोटेक्शन वाला ग्लू प्रोटेक्शन वाला ग्लू याद कर लियो क्या मालूम क्या भी पूछ सकता है इसमें से एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल पर्सन हैव व्हाट शेप ऑफ आरबीसी नॉर्मल पर्सन बाईकॉनकेव आर बी सी नॉर्मल पर्सन इज हैविंग बाईकॉनकेव आरबीसी एंड सिकल सेलेनेमिया इज हैविंग सिकल शेप आर बी सी सिकल शेप आर बी सी ठीक है ना इतने सारे चीजें रिवाइज कर लेना है आपको अभी कंटिन्यू करेंगे सिकल में से रिलेटेड इन इंट्रोडेस क्लास यू रिमेंबर वॉट चेंजेस आर इन डी एन ए आर एन एसिड हिमोग्लोबिन आर बी सी इतने क्वेश्चन बन सकते हैं सिक्कल सेलेनिया में डीएनए में क्या चेंज होगा में क्या चेंज होगा एसिड में क्या चेंज होगा हीमोग्लोबिन में क्या चेंज होगा आरबीसी के शेप में क्या चेंज होगा? समझे? ठीक है, सपोज आप एक झूठ बोले समझो किसी को गलत बोले एक झूठ बोले वो झूठ को बोलने के छुपाने के लिए आपको और एक झूठ बोलना पड़ता उसको छुपाने के लिए और एक झूठ बोलना पड़ता उसको छुपाने के लिए और एक झूठ बोलना, बोलना पड़ता आप फाइनली झूठे बन जाते हैं पूरे समझे ऐसा है ये केस तो इतना रिवाइज कर लेके आइए टुमारो विल कंटिन्यू